किसने तेरे बंदगी। फिर मैं बोल रहा हूँ, आलिम होना आसान है, खतीब होना आसान है, अदीब होना आसान है, और आके सुनो, हाफिज होना आसान है, हाजी होना आसान है, नमाजी होना आसान है, जकात देने वाला होना आसान है, बंदा होना मुश्किल है। और हमें बंदा होना चाहिए इसलिए कि रब ने मुझे बंदा ही पैदा किया है, रब ने मुझे बंदा ही पैदा किया है। बंदगी की क्या तारीफ है, बंदगी की क्या डेफिनेशन है, बंदगी की बंदा सब अगर बंदगी नहीं मालूम बंदा कैसे हुए। पूछा गया सरकारे मखदूम से बंदगी की किसे कहते हैं बंदगी, सुनो जवाब मेरे मखदूम का, जब तक सब नहीं बोलोगे मेरी उंगली चलती रहेगी। जिन लोगों ने कहा अल्लाह उन्हें मदीना दिखा दे, एक मौका और दे दो मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। बंदगी किसे कहते हैं मखदूम का जवाब, फिरदौसी दूल्हा का जवाब, जिसके पीर और मुर्शिद यही मेहरौली से आके अपनी तजर्बी याद के साथ आराम फरमा है, मुरीद का रंग देख कर समझ लो कि पीर का रंग कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने मखदूमे निहार, पैदाने सरकारे सुल्तानी। मेरी तकरीर का माल बुजुर्गों के कर्म से हजरत जी ने गए इनायत से, आप दूसरे खतीब तक ढूंढते रहिए शायद मिले। मुताले की तीर से मवाद की नई नई हिरनियों का शिकार कर, अरे वाह 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 वाह, खुद भी ताजा गोश्त खाता हूँ, सामने वालों को भी ताजा गोश्त खिलाता हूँ। अरे बंदगी की, बंदगी किसे कहते हैं, जवाब सुनो मेरे 600 साल की तारीख है शरीयत और तसव्वुफ के उस मर्द कलंदर सूफी का, जहां गुलामी की अदा के साथ हाजिर हुए सैयद औहदुद्दीन, तो मखदूम के उस बेटे को दुनिया आले शरफ जहांगीर समनानी कह गई है। जवाब सुनो मेरे मखदूम का, जवाब तो हाथ उठाकर बोलिए ना, जवाब देते हैं। समझ में आए सुभान अल्लाह बोलना, नहीं भी समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह बोलना, क्योंकि मैं समझाने ही के लिए आया हूँ। बंदगी किसे कहते हैं, मेरे मखदूम ने फरमाया सब्रो शुक्र का नाम बंदगी है। ये लगता है कि अहले इल्म दुआ देंगे, स्टेज अगर बोल ले तो मेरी खिताबत आसमान को छुएगी। सब्रो शुक्र का नाम, सब्रो शुक्र का नाम बंदगी है। मतलब क्या कहना चाहते हैं, सब्रो शुक्र का नाम बंदगी है। अरे तू बंदा है, बंदा बंदगी सीखी है। इस्लाम की बेटी हो तुम भी बंदी हो, बंदी बंदगी सीखी हो तुम, इस्लाम की बेटी हो, इस्लाम की बेटी हो, अपने मदीने वाले मुस्तफा की तालीम के फसील को अपने किरदार के परचम से रोशन कर दो। तुम बंदी हो तुम भी सुनो, तुम बंदे हो तुम भी सुनो, सब्र और शुक्र का नाम बंदगी, वो अल्लाह है अल्लाह। सबसे बड़ा है वो दरख्त से बड़ा है, वो सूरज से बड़ा है, वो चांद से बड़ा है, वो तापी से बड़ा है, वो नर्मदा से बड़ा है, वो चांद से बड़ा है, वो सूरज से बड़ा है, वो जब कुछ नफा वो था सब कुछ है तो वही है, जब कुछ नहीं रहेगा तो वही रहेगा। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहो अल्लाह अल्लाह, सबसे बड़ा
जमीन का पैदा करने वाला वो आसमान का पैदा करने वाला वो धरती का पैदा करने वाला वो कहकशा का पैदा करने वाला वो भाई का पैदा करने वाला वो पर्वत का पैदा करने वाला वो हवाओं का खालिक वही है, फजाओं का खालिक वही है, खलाओं का खालिक वही है, सब उससे पैदा हुए वो सबका पैदा करने वाला। अगर तेरे पास दो रोटी नहीं है तो शिकायत मत कर, और अगर तू शिकायत करेगा तो उसकी ताकत को क्या नुकसान हो जाएगा। तू ये कहेगा अल्लाह मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा, माज अल्लाह सरकार माज अल्लाह मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था अल्लाह, तूने मुझे झोपड़ी दे दी उसको हवेली दे दी। अगर तुझे झोपड़ी भी मिली है इसलिए कि जिसके पास दस मंजिला हवेली है, जिसके पास लाल किला रहा, जिसके पास ताजमहल रहा, जिसके पास हिंदुस्तान की सल्तनत रही है, जिसके पास हिंदुस्तान की सल्तनत रहे, जिसके पास हुकूमत रही है, जिसके पास हुकूमत रहे, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो हुमायूं हो, चाहे वो शेरशाह सूरी हो, चाहे वो शाहजहां हो, चाहे वो कोई भी बादशाह हो, जो था वो भी और जो है वो भी सुन ले कि बादशाहत कभी किसी के घर कहर कर नहीं रही, और फकीरी भी कभी किसी के घर नहीं रही, गरीबों को बादशाह बनाने वाला भी वही है। अगर आप खामोश रहेंगे तो मेरी खिताबत के वजूद की कुर्सी छोटी पड़ जाएगी, और आप मुस्कुरा देंगे तो तबीयत में उछाल आ जाएगा। बस से कह दो अल्लाहु अकबर, आप उठाकर बोलो ना अल्लाहु अकबर। अब कैसर का पूरा बंदगी बंदगी बंदगी। अगर तुझे अल्लाह ने झोपड़ी दी या तेरे पास रहने का घर नहीं, मगर ये क्यों नहीं सोचता घर रहे ना रहे, सांस उसी की दी हुई, आंखें उसी की दी हुई है, जिसमें उसी का दिया हुआ है, बदन उसी का दिया हुआ है, हम खुद में कुछ नहीं, हम उसी के हैं, हम उसी के हैं, वो चाहे तो रखे, वो चाहे तो मार दे, वो चाहे तो हवेली दे दे, वो चाहे तो झोपड़ी दे दे, वो चाहे तो सुबह शाम मेरे सामने दस्तरखान पर प्लेट में बिरयानी हो, वो चाहे तो रोटी नहीं भूखा रखे, मैं होता कौन हूँ, मेरी आंख उसी की, मेरी नजर उसी की, मेरा शऊर उसी का, मेरी बसीरत उसी की, मेरी बसारत उसी की, मेरा जिस्म उसी का, मेरा ख्याल उसी का, मेरा नजरिया उसी का, मेरा एहसास उसी का, मेरी आंखों का नूर उसी का, मेरा कलम उसी का, मेरा कागज उसी का, मेरा मदरसा उसी का, मेरी खानकाह उसी की, मेरी तजारत उसी की, मेरा इल्म उसी का, मेरा इश्क उसी का, जब उसी का है तो मेरा कुछ नहीं तो हम क्यों रोवे। तूने सूखी रोटी खिलाई, मैंने खा ली, तूने सूखी रोटी खिलाई, मैंने खा लिया, मैं तो शिकायत करूं सूखी रोटी,
तूने खिलाया, इसका मतलब तेरे कर्म ने मुझे याद रखा है। मैंने देखा है न शरसाद रहा न शरसाद की जन्नत रही, फिरौन रहा न फिरौन का खजाना रहा, न हामान रहा न हामान की सल्तनत रही, न यजीद रहा न यजीद का लाओ लश्कर रहा। क्यों? इसलिए कि जहां सब्र और शुक्र ना हो, जहां सब्र और शुक्र ना हो तो हवेली अल्लाह देख कर भी उसे मिटा देता है, और जहां सब्र और शुक्र हो तो करबला में वो सब कुछ लुटा देता है, मगर पूरी दुनिया में अल्लाह उसे फैला देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यकीन नहीं आए तो जाकर देख ले दिल्ली बस्ती हजरत निजामुद्दीन, सड़क का दो किनारा, इधर से जाओ तो बाबाए हुमायूं की काबा, बाएं जाओ तो महबूबे इलाही का आस्ताने, ए हुमायूं तेरी जमीन कहां गई, ए हुमायूं तेरा इख्तदार कहां गया, ए हुमायूं तेरा लाओ लश्कर कहां गया, ए हुमायूं तेरी फौज कहां गई, ए हुमायूं तेरा खानदान कहां गया, ए हुमायूं तेरा करोफर कहां गया, ए हुमायूं तेरा तंतराओ तंतरा कहां गया, ए हुमायूं तेरी अदा कहां गई। तो कब्र कहती है कि जो सब्र शुक्र नहीं रखता उसे मिटा दिया जाता है, उसे मिटा दिया जाता है, मगर लौट के इस तरफ आ। वाह 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 वाह, मिट्टी में है मेरा ईमा के पीराने तीर जिंदा है। ये तो बंदगी समझ लिया, ये तो बंदगी समझ लिया, बंदा भी समझा स्टेज वाले बस दुआ दे खामोशी से, मैं भाव भाव करना चाहता हूँ, बंदा समझ, बंदा समझना है तो हाँ।